प्यारा बच्चा, ये गोलू मोलू भूखी लगी थी, भूखी लगी थी मेरे बच्चे को, ये छोले से बेटे को भूखी लगी थी। हाँ, अरे क्या हुआ, अरे अरे मेरा बच्चा क्यों क्यों रहा है, क्या हुआ? हाँ क्या हो गया, पेट नहीं भर रहा मेरे छोले का? हाँ क्या हुआ, वाह क्यों रो रहा है मेरा बच्चा, और भूखी लगी है, इतनी जल्दी इतना सारा दूध पी गया? हाँ गंदा बच्चा, मम्मा अभी आई। हाँ अरे रामू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मालकिन, मैं बस इस कमरे की साफ सफाई करने के लिए आया था। अच्छा ठीक है, तुम साफ सफाई करो, मैं दूध लेकर आती हूँ, मेरे मुन्ना को भूख लगी है ना, अभी आई मम्मा। ठीक है वाह कितने मजे आ रहे हैं, तुझे तो कुछ मिल भी नहीं रहा है, सारा दूध तो मैं ही पी रहा हूँ, देख फिर दोबारा खत्म कर दी बोतल, और तेरी माँ फिर दोबारा भर के लाएगी और फिर दोबारा पी जाऊंगा, तेरे से ज्यादा मजे तो मैं ही ले रहा हूँ इस घर में, अब आएंगे मजे। मम्मा आ गई, मेरी बच्ची को भूखी लगी है? हाँ भूखी लगी है मेरे बाबू को, आज आज मेरा बच्चा भूखी लगी है। तो मालकिन। हाँ बोलो। ये बोतल थोड़ी गंदी सी हो रही है, इसे साफ कर दूँ? हाँ ठीक है साफ कर दो, मेरा बच्चा साफ बोतल में दूध पिएगा। हाँ मेरा सोना बेटा, गंदा बच्चा, ये लो मालकिन, ये लो दूध पी लो, आजकल बहुत दूध पीने लगा है ना, आजकल बहुत भूखी लगती है ना, बहुत दूध पीने लगा है। रामू जी मालिक ये क्या कर रहा है तू, भाभी देखो तू क्या कर रहा था। रामू ये सब क्या है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे बच्चे का दूध पी रहे हो तुम, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरा छोटा सा बच्चा है सिर्फ दूध पीता है, वो कुछ खाता नहीं है, और तुम उसका दूध चुरा कर पी रहे हो, छी शर्म आनी चाहिए रामू तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? मैं तभी सोचूं कि मेरा मुन्ना रोता क्यों रहता है, मैं उसे इतना दूध पिलाती हूं, सारा दूध तो तू पी जाता है, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए? हां तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं रामू, बोलता क्यों नहीं, चुपचाप क्यों खड़ा है यहां पर? मालकिन मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। रामू तुझे हमने कितना वफादार समझा था, लेकिन तू ऐसी हरकत करेगा, छी शर्म आती है मुझे कि तुझे हमने अपने घर पे काम पे रखा, आने तो तेरे साहब को, तेरी सारी हरकतें बताती हूँ, और तुझे जब वो धक्के मार के घर से बाहर निकालेंगे ना तब तुझे पता चलेगा। नहीं नहीं मालकिन, मालिक को कुछ नहीं बताना, अगर आपने मालिक को बता दिया ना तो मुझे इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे, और आपको तो पता ही है कि आप दोनों के अलावा मेरे इस दुनिया में कोई आसरा नहीं है, आप दोनों ने मुझे इस घर में बना दी थी कि मैं दो वक्त की रोटी खा सकूं चैन से, लेकिन अगर आप मालिक को सब कुछ बता देंगी तो वो मेरी एक नहीं सुनेंगे। अच्छा तुझे लगता है कि तेरी इस हरकत के बाद मैं तुझे माफ कर दूंगी? नहीं नहीं मालकिन, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मुझे बस दूध पीना था तो मैंने ये पैतरा अपनाया पीने के लिए। अगर तुझे दूध ही पीना था तो मुझे बताता, मैं तुझे अलग से दूध ला देती, ऐसी हरकत की तूने, अरे मैं तुझे गांव से इसलिए लाई थी क्या, शर्म आनी चाहिए तुझे, तू दूध पीने ऐसा करेगा मैंने कभी नहीं सोचा था, अरे तूने तो मेरे पूरे गाँव का नाम डुबो दिया, चला जा मेरी नजरों से दूर। मालकिन मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। माफी, अरे माफी गलतियों की होती है, तूने गलती नहीं करी पाप करा है, एक मासूम से बच्चे का तूने दूध चुराया है, भैया आप ही देखो इसे क्या करना है इसके साथ। शर्म आनी चाहिए तुझे, तेरी वफादारी देख के ना तुझे बहने काम पे रखा था, और भाभी तुझे अपने गांव से लेके आई थी, क्यों? क्योंकि तेरे को दो वक्त की रोटी मिल जाएगी, लेकिन नहीं तुझे इन सब चीजों का एहसान कहा है, तुझे ये सब चीजें ना करने से पहले सोचना चाहिए था, तेरे को मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मालिक माफ कर दो, मालिक मेरे से गलती होगी मालिक।